मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद से कई मजदूर मिल के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य की शुरुआत कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त 100 कर्मचारी ड्यूटी पर थे। खबर यह भी है कि बॉयलर ओवरहीट होने के कारण फटा, घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कई गंभीर घायलों को पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में मिल मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो सासा मूसा चीनी मिल में एक बड़े हादसे में 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और करीब 9 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिनमें से आपको बता दें कि 9 लोग जो झुलसे हैं उनमें से 3 की हालत गंभीर थी, जिन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। दरअसल बॉयलर टैंक अचानक ओवरहीट होने की वजह से फट गया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। इस एक हफ्ते पहले भी बताया जा रहा है कि बॉयलर पाइप फट गया था, जिसे स्थानीय लोगों ने ठीक कर दिया था, लेकिन मिल कर्मी कई बार पुरानी मशीनों को बदलने और इंजीनियर को तैनात करने की मांग पहले भी कर चुके थे। वाला के समानिया 12:20 सुबह में सुबह और संभावना भी आई। जो सब बर्निंग कैसे जाए, क्या लगता है, स्थिति गंभीर है? उन्होंने स्थिति गंभीर है और कहां से आया है ये सब? शासन सर सुबह बताया, क्या बताया जा रहा था, क्या सूचना मिली? वहां कोई और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, चीनी मिल हादसे में लोग भड़क गए हैं। इस हादसे के बाद गाड़ियों में आक्रोशित लोगों ने आग लगा दी है। सासा मूसा मिल पर किसानों ने हंगामा किया है, तो हादसे के बाद लोग काफी आक्रोशित हैं और नतीजा ये है कि लोगों ने गुस्से में गाड़ियों में आग लगा दी है। काफी तोड़फोड़ की है, तनावपूर्ण माहौल यहां पर बना हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे पहले जी बिहार झारखंड पर, जिस तरह से यह हादसा हुआ उसके बाद लोगों में गुस्सा बढ़ता गया और नतीजन लोगों ने कई वाहनों में आग लगाई है। आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ और सासा मूसा मिल में भी तोड़फोड़ इन लोगों ने की है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से गाड़ियों में आग लगाई गई, बड़ी बड़ी लपटें उठती हुई नजर आई। तो हादसे में 5 मजदूरों की मौत हुई है। चीनी मिल का मालिक और 2 बेटों के साथ गिरफ्त में लिया गया है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता मधेश तिवारी हमारे साथ हम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मधेश, अभी वहां क्या हालात हैं, क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे, अपडेट बताएं। जी मामला काफी तनावपूर्ण है, लगभग आधी दर्जन गाड़ियों में आग लगा दिया गया है। वहीं आग बुझाने आए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी किसान और उग्र ग्रामीणों ने रोक दिया है। आग काफी भयावह स्थिति में फैल रहा है। वहीं ग्रामीणों का, मृतकों के परिजनों का 10 लाख रुपया मुआवजे का मांग है। बिल्कुल, तो मुआवजे की मांग को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी इस इलाके में नहीं आने दे रहे हैं आक्रोशित लोग, जोरदार हंगामा यहां कर रहे हैं। मधेश, क्या प्रशासन के लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की? जी गोपालगंज एसपी और डीडीसी मौके पर कैंप कर रहे हैं, लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है, लेकिन मामला काफी तनावपूर्ण है, अभी सुलझता नहीं दिख रहा है। वहीं कई जगह और मिल के भी प्रांगण में आग लगाने की सूचना है, कई और वाहनों में, निजी वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है, आग लगाई गई है। बिल्कुल, तो जैसा कि मधेश अपडेट दे रहे हैं, अभी लगातार कोशिशों के बावजूद मामला ठंडा होता नहीं दिखाई दे रहा है और लगातार हंगामा यहां के लोगों का जारी है। मुआवजे की मांग कर रहे हैं लोग, क्योंकि बड़ी लापरवाही मिल प्रबंधन की तरफ से यहां बरती गई है। बहुत शुक्रिया मधेश जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और चलिए मिल हादसे में मरने वाले मजदूरों के नाम आपको बता दें। मोहम्मद सलाउद्दीन जो कि पडरौना उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, इसके अलावा अर्जुन कुशवाहा जो कि खजूरी गोपालगंज के ही रहने वाले थे, वहीं कन्हैया राम खजूरी भी, इनकी भी मौत हुई है, गोपालगंज के रहने वाले थे। कृपा यादव सासा मूसा गोपालगंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक और शख्स है जिसकी मौत हुई है। तो लगातार हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है। गोपालगंज में सासा मूसा मिल में हादसे के बाद लोगों में आक्रोश है, आक्रोशित
लोगों ने मिल में तोड़फोड़ की और करीब आधा दर्जन गाड़ियों में भी तोड़फोड़ के साथ आग लगाई है। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है, लेकिन लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। लाश के पहचान कराने के लिए जो है ऑफिस अनुरोध कर रहे हैं और जो लिखित प्रक्रिया होगी इंक्वेस्ट का पोस्टमार्टम का। कितने लोगों की हत्या इसमें मौत हुई है और कितने लोग घायल हैं? तीन आदमी का डेड बॉडी है, बाकी कुछ लोग जो है हमारे आने के पूर्व जो इलाज के लिए गए हुए। मिल चलाता है, लूट खसोट केवल करता है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन नहीं है इसके पास, कोई जेई इंजीनियर नहीं है। यह सारे पदों पर बापे बेटा खुदे आसीन है, लूट खसोट मचाए हुए है और रात 11 बजे हादसा है, लगभग 10 आदमी मरे हैं, 30 आदमी के लगभग घायल हैं और सब लापता है, ना कोई इलाज, ना कोई एम्बुलेंस, ना दवाई, ना कोई व्यवस्था। तो कैसे हुआ यह हादसा आपको बता दें, अचानक ओवरहीट होने की वजह से बॉयलर फट गया। जर्जर मशीन से जबरन यहां पर काम करवाया जा रहा था मजदूरों से, मिल में गन्ने की पेराई का काम चल रहा था, तभी बॉयलर टैंक में जाने वाली बॉयलर पाइप फट गई। पाइप के फटने से जबरदस्त धमाका हुआ, धमाके से आसपास के कई मशीनों को भी नुकसान पहुंचा, क्षतिग्रस्त हो गई। जो लोग बॉयलर टैंक के पास काम कर रहे थे उनके पर खच्चे उड़ गए। तो इस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है। 9 से ज्यादा मजदूर घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है, उन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। और जी मीडिया संवाददाता संजय सीधे हमारे साथ पीएमसीएच से जुड़ गए, उनसे ताजा जानकारी ले लेते हैं। संजय, पीएमसीएच उन घायल मजदूरों को ले आया गया है अब या अभी भी इंतजार चल रहा है? क्या वहां पर इंतजाम किए गए हैं उनके इलाज के लिए? बिल्कुल सलोनी, चूंकि आज तो एक बिहार बंदी भी है और उसको लेकर के कई जगह पे आगजनी भी की गई है, सड़क जाम है जिसे लेकर के काफी परेशानी हो रही है। हालांकि जो एम्बुलेंस है तकरीबन 5 बजे सुबह में गोपालगंज से चली है वो और अब तक नहीं पहुंची है पटना पीएमसीएच में। हालांकि यहां के जो इंतजाम की बात की जाए तो यहां के अधीक्षक दीपक टंडन ने यह साफ कर दिया है कि जो हमारे जो बर्न आईसीयू है वो तैयार है और इसमें अतिरिक्त बेड की भी व्यवस्था है। जैसे ही हमारे जो मरीज आएंगे उसकी तुरंत इलाज की जाएगी और अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो इसमें तुरंत ही और भी बेडों और डॉक्टरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। हालांकि यहां की समस्याएं की बात करें तो यहां सब कुछ सही है, लेकिन जो रास्ते में जो जानकारी मिल रही है कि अभी जो गंगा ब्रिज पे 2 एम्बुलेंस फंसी है, क्योंकि सड़क जाम जहां तहां कर दिया गया है जिसे लेकर के 2 एम्बुलेंस फंसी है, उसमें हो सकता है कि उस एम्बुलेंस में ही वो मरीज जो पटना आने वाले हैं जो पीएमसीएच में उसी में मौजूद हो। लेकिन समस्या यह है कि जो बिहार बंदी है उसको लेकर के राजद का इसको लेकर के कई जगह परेशानी हो रही है। हालांकि अभी पीएमसीएच की बात करें तो खुद हम पीएमसीएच में खड़े हैं, हम इंतजार कर रहे हैं ताकि मरीज जो भी यहां पहुंचेंगे वो उन लोगों को लेकर के उसके बाद यहां इलाज तत्पर उस पर कराई जाएगी। लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है जो गोपालगंज के जो हमारे सहयोगी हैं वो वहां मौजूद हैं, उनका कहना है कि काफी उग्र हो चुका है वहां और वहां कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है क्योंकि वहां व्यवस्थाएं सही नहीं है। हालांकि जो वहां जानकारियां मिल रही है कि वहां जो चीनी मिल के जो जो मालिक है वो लोग सब फरार है, मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। लेकिन समस्या यह है कि इस तरीके की जो घटनाएं होती है वो क्यों होती है? सरकार इस तरीके से दावा करती है कि हमारे तरफ से पूरे इंतजाम किए जाते हैं, उसके बावजूद जब घटना घट जाती है तब यह मामला सामने आता है कि बॉयलर फट गई है या फिर कुछ और रिसाव हो रहा है, तो एक बड़ी समस्या है। सरकार को इसमें तुरंत चाहिए, क्योंकि चीनी मिल में पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है और खास करके जो चीनी मिल में घटना हुई है उसमें भी पहले घटना हुई है, तो इस तरीके से कई बार लगातार इस तरह की घटना अगर होती रहेगी तो कई लोगों की जाने जाएगी। चूंकि मजदूर है, मजदूर की मौत हुई है और उसी को लेकर किसान वहां आक्रोशित हुए हैं, जिसमें अभी तक जो है 5 मरीज के जो वहां जो मजदूर लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं संजय, कहीं ना कहीं जो आरजेडी ने बंद बुलाया है उसके चलते अभी तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची है, बहुत गंभीर स्थिति में आ रहे हैं ये मरीज। लेकिन ये कहा गया था कि बंद से एम्बुलेंस को दूर रखा जाएगा, जो इस तरह की चीजें उसे दूर रखा जाएगा, तो आखिर अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस? बिल्कुल, चूंकि राजद के बंदी में यह साफ कर दिया गया था कि जो एम्बुलेंस होंगे या जो इमरजेंसी जो भी गाड़ी होंगी उसे तुरंत निकाला जाएगा, लेकिन जो आगे जाम कर दिए हैं वो हटने को तैयार नहीं है, जिसके कारण से एम्बुलेंस कहीं रास्ते में बहुत जगह फंसी हुई है। पीएमसीएच की बात करें तो पीएमसीएच में फिलहाल अभी सन्नाटा है, चूंकि हो सकता है कि बाकी ऐसे बहुत सारे जगह से जो एम्बुलेंस आ रहे हैं मरीजों को लेकर के वो सब नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इससे साफ पता चल पा रहा है कि राजद बंदी जो है, राजद का जो बंदी है बिहार बंदी, उससे कई जगह पे जो हंगामे किए गए हैं उसके कारण से
एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है, मरीजों को परेशानी हो रही है, ये सब साफ इसमें कहा गया था कि राजद के द्वारा बंदी की जाएगी, उसमें किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो देखने को मिल रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि एम्बुलेंस सहित और भी कई इमरजेंसी जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ परेशानी में फंसे हुए हैं, उसमें मरीज पड़े हुए हैं, वो उसे जब तक पीएमसीएच नहीं लेके आते तब तक उनका इलाज संभव नहीं है। फिलहाल अभी स्थिति अगर बात की जाए जो यहाँ के अधीक्षक है उनके द्वारा कि यहाँ से हमारे पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इसके अलावा भी कोई भी मरीज हमारे यहाँ पीएमसीएच पहुंचते हैं तो उसमें किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। जी बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो इमरजेंसी सर्विसेज को अलग रखने की बात कही गई थी, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं वजह बन रही है कि एम्बुलेंस अब तक नहीं पहुंच सकी है। देखिए आईसीयू में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसा कि बता रहे थे हमारे सहयोगी संजय, बर्न वार्ड में सारी तैयारियां की गई हैं। इसी बीच बिल हादसे पर गन्ना मंत्री का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की तरफ से मैं अपनी तरफ से जो है दुख व्यक्त करता हूं, उनके परिवार आश्रितों को जो है भगवान जो है दिल पर जो है ये दे, ये काफी दुखद घटना है। और बॉयलर फटने की जहां बात है, अगर इसमें किसी तरह की लापरवाही बरती गई है और लापरवाही स्वरूप ये घटना घट गई तो सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। तो कार्रवाई करने की बात कही है गन्ना मंत्री खुर्शीद अहमद ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं गोपालगंज में, लोगों का गुस्सा क्योंकि रुक नहीं रहा है, परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। अब तक 5 मजदूरों की मौत की खबर है, आंकड़ा बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि बॉयलर के अंदर कई शव फंसे हो सकते हैं क्योंकि लगातार गर्म पानी का रिसाव हो रहा है, ऐसे में लोगों के लिए अंदर जाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। चीनी मिल का बॉयलर ये फटा है, हादसे में मजदूरों की मौत हुई है और हादसे के बाद आक्रोश में लोगों ने तोड़फोड़ की और अब आगजनी भी की है। मिल मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मिल मालिक और उनके दोनों बेटों को गिरफ्त में लिया गया है। गोपालगंज की सासा मूसा चीनी मिल मामले में कृषि मंत्री प्रेम कुमार का भी बयान आया है। प्रेम कुमार ने कहा है कि पहले ही मिल मालिक को बॉयलर बदलने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन मिल मालिक की अनदेखी के चलते यह हादसा हुआ, ऐसे में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मृतक के आश्रितों को सरकार की ओर से मुआवजा और घायलों के इलाज की भी व्यवस्था की गई है। गोपालगंज चीनी मिल में बॉयलर फटने की घटना हुई है और इस घटना में अब तक जो जानकारी मिली है कि 3 लोगों की मौत, 9 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उचित इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं प्रेम कुमार, जानते हैं इनसे। सर, जो घटना हुई है, घटना के बाद क्या कार्रवाई कुछ हो रही है सरकार की तरफ से, और चूंकि चीनी मिल के जो मालिक हैं और मैनेजर दोनों फरार हो गए हैं? घटना काफी दुखद है और निश्चित तौर पर सरकार इन कारणों की जांच कराएगी जाकर के, और जांच के बाद जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होगी और सरकार हर संभव जो प्रभावित परिवार हुए जाकर के, जिनकी इस घटना में मृत्यु हुई जाकर के है, उसके प्रति सरकार हर संभव सहायता भी करेगी जाकर के। और घटना काफ़ी दुखद जाकर के है, किसके चूक से, किसकी लापरवाही से इतने बड़े हादसा हुए जाकर के, सरकार इस मामले को जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करेगी। सबसे बड़ी बात है सर की जो जानकारी मिल रही है कि बॉयलर पहले से ही खराब था, खुद गन्ना मंत्री इसको लेकर के चिंता जाहिर किए थे, जो चीनी मिल के मालिक हैं उन्हें निर्देश किए थे कि आप बॉयलर चेंज कर लीजिए, इसके बावजूद बदला नहीं किया और ये इतनी बड़ी घटना हुई है। FIR लॉन्च किया गया है, आगे कार्रवाई जो है वो कितनी तेजी से होगी? आपका तो रहे कि कार्रवाई होगी, लेकिन कितनी तेजी से होगी? एक समय सीमा के अंदर में सरकार का प्रयास होगा जाकर के, ऐसे लोगों के खिलाफ जो माननीय मंत्री जी ने इन बातों को देखा था, उन्होंने राय भी दी थी कि बॉयलर बदलना चाहिए, किसी पर दुर्घटना हो सकता है, उसके बाद भी चीनी मिल मालिक जिस तरह लापरवाही बरती जा करके है, तो जल्द से जल्द ही मतलब उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करनी होगी। और साथ साथ मतलब जो मृतक परिवार हैं उनके आश्रितों को सरकार मुआवजा प्रदान करेगी। नौकरी की भी मांग कर रहे हैं, आक्रोश है किसानों में? स्वाभाविक है, तो आक्रोश तो स्वाभाविक है, नाराजगी स्वाभाविक जा करके है, और पूरी की पूरी इसके लिए जिम्मेवार मिल के मालिक जा करके हैं, और सरकार निश्चित तौर पर मिल मालिक खिलाफ विधि सम्मत हर संभव मतलब के खिलाफ कार्रवाई होगी जा करके, और जो मृतक के आश्रित हैं उनको सरकार का जो नियम है उसके तहत सरकार मदद भी करेगी।
बिल्कुल सरकार मदद करेगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी चीनी मिल मालिक और मैनेजर दोनों फरार हैं, लेकिन जो कहना है मंत्री जी का कि FIR लॉन्च कर लिया गया है और शीघ्र इसमें तेजी से कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तार करके जो कानूनी कार्रवाई है उसके तहत उन्हें न्यायालय से सजा भी दिलवाया जाएगा। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। और हमारे सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब सरकार वादा कर रही है कि जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई की जाएगी और ये भी कहा गया है कि पहले ये निर्देश दिए गए थे सरकार की तरफ से कि बॉयलर को बदला जाए, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही मिल प्रबंधन ने की जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई। बिल्कुल सलोनी, क्योंकि लापरवाही तो पूरी तरीके से कही जाएगी। जिस तरीके से बॉयलर बदलने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद बॉयलर नहीं बदला गया, जिसके बाद ये बड़ी घटना हो गई। हालांकि इस घटना में तकरीबन अभी तक जो है 5 से अधिक लोग मारे जाने की जो बात बताई जा रही है, एक बहुत बड़ी घटना है। और इसमें जो जिस तरीके से सरकार के लोग अपने अपना बयान दे रहे हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, आखिर ऐसा क्यों होता है? बात इतने ही पे नहीं जाकर रुकती है, इस तरीके की घटनाएं क्यों हो जाती है? अगर हम उससे पहले सचेत हो जाएं तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो आज बिहार बंदी है उसको लेकर के भी कई जगह एम्बुलेंस फंसे हुए हैं, जबकि यह बात को जो राजद अध्यक्ष जो लालू प्रसाद यादव है उन्होंने यह भी कह दिया था सभी कार्यकर्ताओं को कि किसी तरीके से कहीं भी अगर एम्बुलेंस फंसी होगी तो उसे तुरंत निकाला जाए। लेकिन ये सब सारी बातें एक किताब में धरी की धरी जैसे रह जाती है, उसी तरीके से अभी इस बात सामने आ रही है, जिस कारण से अभी तक PMCH में जो पहुंचने वाले वहां से जो मरीज हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं, जो मजदूर जो घायल काफी तकरीबन 80% से ऊपर जल चुके हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो एक बहुत बड़ी बात कही जाएगी। हालांकि पुलिस जो है इसमें लगातार प्रयास कर रही है कि जहां भी एम्बुलेंस फंसे हुए हैं वहां से जल्द से जल्द उसे निकाला जाए, लेकिन समस्या यह है कि अगर उस मरीज की मौत हो जाती है तो किस तरीके का यह राजद का बंदी, क्योंकि इसी कारण से जनता के बीच ही जाकर के वो अपने वोट को मांगते हैं, जनता के बीच ही जाकर के ये बात कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ये कैसा साथ, जब उसका साथ ही छूट जाए या देश दुनिया से उठ जाए वो व्यक्ति, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि अभी जो है पुलिस प्रशासन इस पर लगातार प्रयास कर रही है कि जहां भी एम्बुलेंस फंसे हुए हैं वो यहां पहुंचे। और PMCH की बात की जाए तो PMCH में व्यवस्थाएं जिस तरीके से जो अधीक्षक हैं दीपक टंडन उन्होंने कहा है कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से की गई है। जैसे ही हमारे पास जो मरीज पहुंचेंगे उनके इलाज की जाएगी। अब देखना यह होगा कि इलाज में किस तरीके की इलाज की जाती है उसमें। हालांकि जो मरीज का अगर बढ़ती संख्या बताई अगर होती है तो उसमें तुरंत उसे और डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाए जाने की बात कही है। फिलहाल अभी इंतजार है लोगों को कि जल्द से जल्द वो PMCH पहुंचे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। गोपालगंज हादसे पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे हादसे की जांच कराए। तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिवारों को सरकार से मुआवजा देने की भी मांग की है। वहीं प्रशासन की इसे विफलता बताया तेजस्वी यादव ने। घटना हुई है और जो भीड़ जो है आक्रोशित है, और अभी देखने को मिला जो शुगर मिल के जो मालिक है उनके जो बेटे वगैरह हैं शायद उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें पूरी तरीके से प्रशासन जो है विफल रही है, और कुछ जो पुलिस के जो लोग थे कंट्रोल करने वाले उनको लगता है कि वापस भाग चले हैं। सरकार से अपील है कि इन परिवार के लोगों को जो मुआवजा है उस राशि को देने का काम करें और इसकी जांच कराए। संजय, मामले पर विपक्ष ने जांच कराने की मांग रख दी है। तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि मामले की जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल सलोनी, घटना के बाद सिर्फ एक लाइन ही रह जाता है जो जांच ही एक बहुत बड़ी बात है। और जांच के बाद जिन लोगों की मौत हो गई उनका कोई फिर नहीं होता है, ना ही फिर उसकी मुआवजा राशि मिल पाती है, जिसे लेकर के लोग उग्र होते हैं। और खास करके अभी देखा जाए जो गोपालगंज में जहां पे घटना हुई है वहां पे यही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अगर ये समय रहते ही अगर बॉयलर को सही कर लिया जाता तो आज ये समस्याएं नहीं आती। और अगर समस्याएं आ गई है तो तकरीबन जो मजदूरों की मौत हुई है 5 से 7 मजदूरों की, उसके बाद जो 10 से अधिक जो घायल बताए जा रहे हैं उसको लेकर के किसान उग्र हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार एक दूसरे पे टालती रहती है और सरकार बदलती रहती है, लेकिन समस्या का निदान आम जनों के बीच नहीं हो पाता है। हालांकि वो गरीब मजदूर जो कि बिहार के बाहर से भी आए हुए थे, कुछ बिहार के भी थे, उनकी क्या गलती थी? वो अपने रोजी रोटी के लिए वहां मौजूद थे, अपने काम पे डटे हुए थे और उसी वक्त देर रात ये घटना घट गई। तो एक बहुत बड़ी कही जाएगी लापरवाही जो वहां के चीनी मिल की, और हो सकता है कि और भी ऐसे कई चीनी मिल है जहां पे इस तरह की घटनाएं हो सकती है। इस पर
किसी तरह कोई भी व्यवस्थाएं नहीं देखी जाती है, कभी भी इस पर जांच नहीं की जाती है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि बात करें तो अब तक यहां पे जो मरीज हैं वो नहीं पहुंचे हैं, तो एक मिला जुला करके कहा जाए कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने बातों पे, सिर्फ दावों पे बात करती है कि हमारे ये दावे हैं, हमारे ये बात है, हम इस पर आगे एग्री होंगे, इस पर डटे रहेंगे, लेकिन आम जन इसमें पीसे जाते हैं। हालांकि इसमें कई बार पीएमसीएच में भी कई तरह की घटनाएं हुई है, इसमें भी मरीज डॉक्टरों पर भी आरोप लगाया है, तो इस तरीके से लगातार होती रहती है। सरकार इस पर कभी भी यहाँ पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, और वहीं जहां आरजेडी ने बंद का ऐलान किया है, इमरजेंसी सर्विसेज को इससे दूर रखने की बात कही गई थी, लेकिन शायद इसी बंद की वजह से अभी तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई है, और जो मरीज हैं जिन्हें गोपालगंज से लाया जा रहा था वो अभी भी रास्ते में है, उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। बहुत शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे आपसे अपडेट लेंगे। तो हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और नतीजा ये रहा कि आक्रोशित लोगों ने आग लगा दी कई गाड़ियों में। सासा मूसा चीनी मिल में बॉयलर फटने से यह हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर है।